एक गुरसिख बंदा चमकीला जी दियां हिक दे उत्ते फोटो ला के बाजार दे विच उच्ची उच्ची गाउंदा फिरदा सी, साथों बाबा खोह लिया तेरा ननकाणा। तो पहला दोस्तों प्यार भरी सत श्री अकाल, मैं तुहाडा वीर तेजा तलवंडी अज तुहाडी मुलाकात करा रहा उस फनकार दे नाल जिसने पंजाब दीआं सुपरहिट लोक गायकां सुखवंत सुखी, परविंदर संधू, कुलदीप कौर वर्गियां दे नाल अखाड़े ला के पूरा अपना नाम बनाया, जिन्हां दा नाम आ मीका भवियां वाला। तो आओ मिलदे हां उन्हां नाल, करदे हां लंघे वक्त दीआं यादां सांझियां। होर बाई जी की हाल चाल? बाई जी सत श्री अकाल। मैं तहे दिलों शुक्रिया अदा बाई जी साडे वीर जी मेरे वड्डे वीर तेजा तलवंडी जी का, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके जानी मेरे घर तक पहुँचे आ, साड़ी इंटरव्यू करना आया बाई जी, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो असं भी देखो अपने प्यार मुहब्बत बनया है ना जी जी, जरूर मिलना चाहिए। पिछले साल डेढ़ साल तो मैं सोच रहा है, मैं बाई जी मीका भवियां वाला जी जी है ना जी, उन्होंने मिलीए। अच्छा बाई जी अजकल अपना रैन बसेरा आलना कितने आ? ये पिंड पवा जी नज़दीक ही सानी वाल पै जाता, तो डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पै जाता वा, पंजाब दे विच कि नावों पावा पिंड जाने जाता। साडा पिंड एक तो जी ना जाने जाता, साढ़े पिंड दे विच गुग्गा माड़ी का मेला लगता जी, जी बहुत ज्यादा मशहूर है। छपार दे तकरीबन कॉम्पीटिशन ही होंदा आपस विच, बराबरी है लगभग लगभग बराबरी है। अच्छा वो समा छपार तो पहले ना बाद च लगता? नहीं, जिस दिन छपार का शुरू होंदा मेला उस दिन ही ये लगता जी जी जी। हाँ ठीक है जी। हाँ जी, इतने किसी के भी माड़ा मोटा मेहर हो जाती, आप मेहर कहने जो आप कहने भी हाँ जी हाँ, मिट्टी लग गई, मिट्टी लग गई हाथ थोले करा के हाँ जी हाँ आराम आ जाता। हाँ जी। अब भाई जी फैमिली बारे भी जिक्र कर दो। फैमिली दे विच तां जी मेरे दो बेटियां ने ते दो बेटे आ जी 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 जी। ते एक बेटी मेरी गगनदीप पवा, वो म्यूजिक दी एमए कर गई जी जी, ओदे ट्रैक भी आए ने दो तीन यूट्यूब दे जी जी जी। हाँ जी हाँ, ते यही असी। चलो पिता ने थोड़ा बहुत रंग गायकी दा उधर बेटी च भरता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें शुरू तो शौक सी जां तुसीं मतलब आप कीती कोशिश की थी? नहीं नहीं, ये ब्लड दी। अच्छा भाई जी, पढ़ाई कितों तक की? पढ़ाई मैं जी साढ़े पिंड पावा हाई स्कूल है जी जी जी, मैं उठे अंडर मैट्रिक है जी। बचपन कितना गुजरिया बाई जी का? बचपन बहुत बढ़िया गुजरे जी। कोई शरारती पल चेते करा दो? बड़ा बड़ा कुछ, हूँ किन्ने किन्ने क मैं तुम्हें याद करा दवा। कई बार यार दोस्तों के आप खेडा खेडते हैं, कोई किसी ने थोनू कुटिया हो, किसी ने तुम्हें कुटिया हो ना, कोई यादगार घटना होंगी दिमाग के? हाँ जी हाँ, एक बार जी मेरे याद आ, मैं स्कूलों असं हट गए ही, जरग का मेला देख चले गए जी 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 जी। जरग का मेला देख चले गए तो असी पांच सत मुंडे जी जी, असी वो जुआ खेलन लग गए, वो चक्री जी वाला खेडा चल दिया मेलिया, मेलिया एक दूजे लालच के फस गए जी जी जी। चलो जी पहला मेरे को उस वक्त के दस बीह रुपये बहुत ज्यादा आते कि साल की गल है जी? यह हैगी तकरीबन चौरासी पचासी की गल है जी। दस रुपये मैं ना रखते, मैं ना रखते सी, पचास पैसे तो चाह का कप से, चाह का कप से जी। हाँ गया अभी पंजे सत्ते अठी हार गए, भुख भी बहुत लगी भाई, भुख इन्नी लगी कहने यार मीकिया भुख भी लगी, आप पैसे भी हार गए। हूँ कलाकार तो जी कलाकार होंगे, कलाकार कहने चमकीला जी के कहने कहना वो कलाकार नहीं होंगे जोड़ा कुट खा लवे है जी, वो कलाकार नहीं होंगे कहना। तो मैं क्या वो कहें यार हूँ की करेगा, मैं आज शाम का वक्त आ गया जी, जो शाम का वक्त आ गया तो हम पिंडां दे विच आम घर घर दे विच पांच पांच चार चार किलो जलेबियां लेके जाते होंगे। हाँ जी जाते जाते हर एक मेले तो जिन्हें मुड़ना वा बच्चों लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही है। उस वक्त दे विच 500 दा नोट है नहीं सी जी 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 है जी। तो मैं सोचे आपका दिमाग लड़ाया, कलाकारी दिमाग लड़ाया भी आप हूँ आप तो इन्हों पकौड़े भी खवाने, जलेबियां भी खवानियां, दुध भी खवाना, तो खवाना किवें आ यार दोस्तों, बेइज्जती नहीं करवानी, बेइज्जती नहीं करवानी पूरी, इज्जत बनानी है पूरी जी। चलो जी एक बाई बाल्टी ली खड़ा, उसके हाथ के 100 का नोट जी। मैं उन्होंने कहा मैं बाई जलेबियां लेनिया, कहिंदा हाँ जलेबियां लेनिया ने, मैं कहा माड़िया नोट दिखाऊंगे, कहिंदा लै देख ला यार, मैं उसका नंबर आपके हाथ से नोट कर लिया, 100 का नोट का नंबर, जो नंबर नोट कर लिया जी मैं आपके यार दोस्तों को आ जाऊगी बैठी है खाओ पीओ। असी 2 किलो दुध गर्म कराया, पकौड़े आ गए, जलेबियां खा लिया, वो मैनू कर दिया कहने मीके पैसे कौन दू, मैं पैसे भी दिते जाने, तुसी खाओ आपदा रज के खाओ। हाँ जी खा पी के दो जी असी बाहर आ गए, बाहर आके मैं जिहड़ा हलवाई सी उन्हूं कहा बाई जी बाकी पैसे दो,
वो कहना तैं दिता ही कुछ नहीं। मैं क्या यार कमाल की गल है, तेन 100 रुपया दिता। अच्छा जी। वो कहना नहीं यार दिता है। मैं क्या दिता कर दे करा ही जाने। एक पुलिस वाला आ गया। वो कहना तुम ये हलवाई में कहना नजायज कर रहे हो। मैं कहा भाई जी गल सुनो, मैं जुत्ती च पानी पीऊं, आ नंबर का नोट कड़ो। लो जी जदों उन्होंने पुलिस वाले ने हाथ मारिया तो पांचवा सातवा नंबर वो नंबर का नोट निकलिया आ। हलवाई के बाजार में चपेट पई तो जदों दर्द मैनू लग्या वैसे। मैं कहा यार आप कर नहीं आए रहे हैं। पर गल की कितने खड़ी सी, क्योंकि भुखे से साडा कोई होर कोई चाहिए बेईमानी कराती चपेड़ा पवाती चपेड़ा पवाती है। तो वो सानू 100 रुपया भी मिल गया। असी आपका किराया लाया, असी आपका पिंड फिर जिंदगी पछतावा तो बनता जरूर बनता बिल्कुल बनता। चलो ये तो थोड़ी बचपन की शरारत, बचपन की शरारत आ जी। बाई जी गायकी का शौक किवें पिया, किहड़े कलाकार की गायकी ने तुहानू डंगिया? ज्यादा करता जी मेरे जे बापू जी से मेरे पिता जी से वो तूंबे नाल गाते होंगे सी। सर तुहाडे भी घर दे विच गायकी है ना? जी 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 जी। उदों पहला बापू तो पहला भी सी कोई? बापू तो पहला नहीं सी कोई। तो मेरे जिहड़े बापू जी से जे उन्होंने जो असी कहना बापू जी कौलां सुना दो, जे उन्होंने अज कौलां शुरू कर ली तो चार चार दिन कौलां नहीं मुक्कण देंदे सी। असी धन समझदे सी भी इन्ना इनिया कथावां इन्ने गाने इन्नी याददाश्त भी बापू जी दे किवें चेते आ जी। जेकर उन्हें दहूद बादशाह छेड़ लिया तो चार चार दिन दहूद बादशाह नहीं मुक्कण देंदे सी। मिर्जा साहबां छेड़ लिया तो चार चार दिन मिर्जा साहबां नहीं मुक्कण देंदे सी। हीर छेड़ ली तो हीर नहीं मुक्कण देंदे सी। वो तो पुराने किसे पढ़ते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। उस तो बाद फिर सदीक साहब का गाना आया जी बग्गी तित्तरी कमादो निकली जी। उस वक्त तकरीबन मैं छोटा जिहा हुंदा सी, पढ़न लग्गिया सीगा। उन्हों का गाना बड़ा पॉपुलर होया सी, हिट होया सी, बग्गी तित्तरी कमादो निकली उड़दी नूं वाज पै गई। वाज पै गया। सदीक साहब भी काफी हिट कलाकार, बहुत हिट होया सीगा जी। ते फिर मैं की करिया जी तेजा जी, मैं एक लीटर लिया, लीटर दे विच गलियां कढ के उच डंडा ठोक लिया, उहदे विच एक प्लास्टिक की तार पा के मैं उस समय दे विच मैं बग्गी तित्तरी कमादो निकली वजाउण लग गया सीगा। कुदरती कुदरती हथ बड़ा साफ हो गया मेरा जी। वो मैं जानी उत्थों मेरा शौक शुरू हो गया सी बापू जी। बापू जी देख देख के? हाँ जी, मैं पढ़ता हुंदा सी उस वक्त जी 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 जी। जानी उत्थों मैनू लगन लग गई सी, जानी मैं कलाकारी च पैर नहीं धरिया सी, जानी चट लग गई सी। पक्के हो गए भी हुण इधर ही बनना, कलाकार ही बनना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बाई जी हुण तक किहड़े किहड़े गीत आ चुके अपने? मैं तेजा जी मेरी सब तो पहला सन 91-92 च आई सीगी टेप, पायल ने रिलीज करी सीगी मुंडिया नू ले गई लुट के, काफी हिट हुई सी। ड्यूट की ड्यूट गाने सुखवंत सुखी जी ने मेरा साथ दिता सीगा। ते पुरानी सिंगर सी काफी हिट गायका सी, उन्हां दे रमले नाल भी काफी। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हां ने रमला जी दे नाल, कुलदीप पारस दे नाल भी, मानक साहब दे नाल भी काफी टेपां आईयां उन्हां दीयां। बिल्कुल 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 जी 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 जी। ते उस तों बाद उन्हां दे नाल फिर मेरी दूसरी टेप आई भुल जाई ना जी, वो भी बड़ी काफी लोगों ने जाने सत्कार दिता गाने जी जी जी। सुखवंत सुखी जी नाल गाया मैं, इन्हां दा बीबा सीगी सिस्टर सी इन्हां दी सुखी जी दी कुलदीप कौर जी, उन्हां नाल गाया, परमिंदर संधू जी नाल गाया। ते अमृता बिरक जी नाल 2-3 साल मैं लगातार गाया। ते उस तों बाद दे विच मैनूं झटक लग गई सीगी वी आपां चमकीला जी नूं उस्ताद बनाउणा जी 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 जी, उस्ताद बनाउणा ही बनाउणा। ते चलो मेरे कर्मां दे विच मैं तुहानूं दस्सदा वी हां जी हां वी उह दो दिन मैनूं नसीब नहीं होया, उह दिन नसीब नहीं होया। ते उस तो बाद विच ते फिर मैं आप तैयारी करनी शुरू करी जी जी। हाँ जी हाँ। अच्छा बाई जी चमकीला साहब की तुसी गल कीती आ जी, चलो मैं भी उन्हां दा कट्टर फैन आ जी, उन्हां दा कोई लाइव खड़ा जिंदगी दे विच देखिया तुसी? हाँ जी हाँ बहुत। असीं आ सातू तकरीबन दुराज दे नाल ही पिंड कदों आ जी, उन्हां दी डैथ होण तों तकरीबन 4-5 दिन पहलां असी इथों मैसी ट्रैक्टर ते गए। 4 मार्च का सीगा जी, 4-5 मार्च, 4-5 मार्च का सीगा जी। असी कदों गए जी जी, ते कठ भी इन्ना खाड़े दे विच 4-5 किले का बाण पिया सीगा जी, उत्थे कठ भी ऐ जड़ी पैर धरन नूं जगह नहीं सी। चमकीला जी ने उत्थे एक गल जरूर कही सी, कहिंदा मित्रो आ पता नहीं कहिंदा जग ते रहना कि नहीं रहना। उन्होंने गाना गाया सी सोहणिया ब्याह करवा के वे सानू मिलदा गिलदा रही जी जी। क्या बात आ बाई जी, वो वक्त वो सीन मेरे अजे भी चेते आ, जिस तरह भी किसी पूर्ण महापुरखों का कहना सत्संग लग्या हुंदा भी संगत लीन हुई बैठी आ, लोग इस तरह जाने जिहड़े स्रोते सी इस तरह उन्हों सुन रहे सी, चुप चाप शांतमई, चुप चाप शांतमई।
कोई रौला रप्पा नहीं, कोई रौला रप्पा नहीं, ऐसा साधा नहीं पता लगता सी। जिहड़ा चमकीला जी सीगा जी वह कोई कलाकार नहीं सी, वह तो कोई शह सी, कोई भगवान ने कोई शह भेजी सी। छोटी जी उम्र च इन्निया तरक्कियां करनिया, इन्नी जल्दी दिनां दे विच उपर आना, सारे कलाकार तो उभर के उपर आना, खाला जी का बड़ा नहीं। बड़ी छोटी उम्र दे विच तरक्की करके जिवें सदा लई है, फटाफट आए, फटाफट तुर गए, फटाफट तुर गए ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਨਹੀਂ, ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਐਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਮਲਾ ਸਾਡੀ ਕੁਟੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਤੇਜਾ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੁਟੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ? पर हुण की कहना जी, फिर लोग केंतु परेंतु करन लग जांदे, कहिंदे एवीं आए आ बाबा, चलो इशारा देता जी मैं तुहानू। देखो कहण दा भाव भी जे वह बंदा चमकीला जी उस कुटिया दे विच कहिंदे साडी कुटिया दा पाणी पी जांदे, असीं जाण नहीं दिंदे सी उहनूं, एड्डी वड्डी महापुरखां दी किरपा हो जांदी आ, रब दी एड्डी किरपा हो जांदी। अमर होना औखा वा, चमकीला रब दे भी बहुत नेड़े सी, बहुत नेड़े, ताही सदा लई अमर होया। बिल्कुल सदा लई अमर हो गया, नहीं हर गाना हिट होना मुश्किल है बंदे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूजे पासे जी इन्हां धार्मिक पक्ष देखिए, तां भी देख लो, धार्मिक पक्षों भी झंडे गाड़ गए जी। फिर जे लोक तत् पक्षों देखिए वह भी देख लो, कलियां धार्मिक ड्यूट गीतां विच गड़ गया झंडी, जे हुंदा अज जे हुंदा बे सुरियां दी ना लगदी मंडी। अच्छा बई जी, चमकीला साहब दे तुसीं कट्टड़ फैन हो जी, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀਲ ਤੱਤੇ ਰੌਂਗ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧੱਬਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੱਟੀਏ, ਬੂਕਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਭਾਫਾਂ ਛੱਡੇ ਸਰੀਰ, ਕੁੜਤੀ ਮਲ ਮਲ ਦੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਗਲ ਗਰਮ ਲੈ ਚੀਆਂ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਗਰਮ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਲੱਕ ਪਤਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਤ ਨੇ ਲੋਕ ਬੱਗੇ ਸਫਰੀ ਵਰਗੇ, देखो कैसिया। मैं अपनी जबान दे विचों भी वो लफ्ज़ कह नहीं सकता जो पेश कर रहे हैं यार, की गल उन्हां लई है, साड़ी अज प्रदर्शन कित्थे गई है जी। जी जी ठीक है जी। अज तो देखो चमकीला जी गाउंदे जरूर सी, पर उहदी गायकी वधिया सी, उहनां दी गायकी वधिया सीगे, सुर दे धनी सी, ताल दे धनी सीगे, लिखण दे धनी सी, फोक पंजाबी लिखदे सी, तां करके अज दे जिहड़े ओह कलाकार जिन्हां नूं खाड़े नहीं मिलदे सीगे उहदे नाल जलस करदे सी, इही इहनां लोकां दी साजिश सीगी। आम लोक आम बंदे नूं तां कोई मतलब नहीं कलाकारी तां, उहनां दा सुणना हुंदा ना, जे मतलब थोड़ा कोई विरोधी है, कोई भी है, मास्टर मास्टर दा विरोधी हो, कारीगर कारीगर दा, दर्जी दर्जी दा, किराना किराने वाले दा, है ना, बिल्कुल, ते लीडर लीडर दा, कलाकार कलाकार दा, स्रोते नूं तां इहदा कोई मतलब नहीं सी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तेजा जी, इहनां दे जाण तों बाद दे विच ते मैं जिहड़े शागिर्द देखे आ इहनां दे, ਕਿੱਕਰ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚਮਕ ਚਮਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਆ, ਬੱਬੂ ਚਮਕ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ, ਮੈਂ ਡਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿੱਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚਮਕੀਲੇ ਬਥੇਰੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਚਮਕੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਤਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਏ? ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠ ਕੇ ਚਮਕੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗੁੱਜਰ ਵਾਲੀ ਆ ਪੰਮਾ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਗੁੱਜਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪੰਮੇ, ਵੀ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਵੀ ਆਹ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਰੁਪਈਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾ। ਪਰ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਸੀਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,
8 मार्च आ जाता, डेथ हो गई, डेथ हो गई। फिर मेरा मेरे उस्तादा दे समान भाई टिक्की भाजी, फिर उन्होंने समाध से लेके जाते, मैं पग लैंना, मैं कपड़े लैंना उन्होंने वास्ते, कुर्ता चादरा, तो फिर मैं उन्होंने समाध से अर्पण करके आना, तो फिर मैं चाचा जी ने चमकीला जी के फादर साहब न फिर मैं वो देना जी। दिल दिया दिल में रह गई कितने खुश हो गए उस्ताद धारना सी, टुटे दिल ना उस्ताद धारना, दिल ना धारना, बहुत दुख भरी गल, बहुत दुख भरी गल है जी। उन्होंने याद के कोई श्रद्धांजलि भेट की गई तो? हाँ जी हाँ, सुनायो तो। ओदे वर्गा कीने गौना, ना ही जमया ना ही आउना, ओदे वर्गा कीने गौना, ना ही जमया ना ही आउना, एक बार ता कंबन ला गया अंबर नीले नू, चेते कर कर रोंदी दुनिया अज चमकीले नू, चेते कर कर रोंदी दुनिया अज चमकीले नू। भाई जी बहुत वधिया, मेरा भी अपना मन भर आया जी। ना मैं पहले सोचा भी मैं ही कट्टड़ फैन हाँ चमकीला साहब का, पर नहीं, जो तुहाडे अगे मेरे तो तगड़े फैन मिलते हैं ना, साडा मन आपका टुट जाता भी नहीं, असीं तां बहुत थले हाँ साढ़े तो उपर हो तुसीं ना जी। होर तेजा जी मैं तुहानूं दसदा साडे नाल बीती हुई। हाँ जी, लाल दा भरा, सत्ते दा भरा लाल निहाला, उस वक्त वो घड़े ते गया सी उस दिन चमकीला जी नाल घड़ा बजाउण वास्ते, सत्ता छुट्टी कर गया सी उस दिन, उन्हें कोल खड़ के सारा सीन देखा भी किवें होया। उस निहाले नूं मैं एक दिन प्रोग्राम ते लै आया रविदास महाराज दे प्रोग्राम ते, वो रात नूं 12 1 2 बजे गुड़गुड़ाउण लग गया, रात नूं दंदल पै गई उन्हूं, असी क्या मखा निहाले की हो गया की हो गया, हाँ हाँ कहना भाजी 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 पानी दो पानी, मैं पानी दिता चाह के, मैं की हो गया, सुरत च हो गए, कहना यार मेरे वो सीन अखा मूहरे आ गया सी, किवें गोलियां चल दियां सी चमकीला साहब, चमकीला साहब माड़े दिल वाले तो देखा भी नहीं जाता, नहीं देखा जाता जी। वैसे चमकीला साहब नाल होई बुरी है, उन्हें वैसे कोई माड़ी मोड़ी नसीहत दें दे यार, लतवा तोड़ दें, लतवा तोड़ दें, वैसे ही समझा दें, क्योंकि कलाकार इन्ना कट्टर नहीं होंदा, वो तो फुलार के कलाकार होंदे है ना, बिल्कुल बिल्कुल, नाजुक होंदा जी, फुल होंदा एक खिड़िया होया कलाकार फुल होंदा, जब उन्हें माड़ी आप उंगली लाने जद ही मरिया आ जाता। चमकीला एक दिन मरिया, वो कट्टर फैन हर रोज मरते हैं, बिल्कुल मरते हैं जी। मेरे चाचा जी का लड़का जी फौज के विच सीगा, वो उन्हें दसिया कहिंदा असीं जम्मू कश्मीर के विच जब सानूं पता लग्या वी चमकीला जी की डैथ हो गई, कहिंदा असीं आपदे कर्नल नूं कहता भी सानूं बिल्कुल इशारा नहीं करना हैगा भी तुसीं जाणा, कहिंदा नहीं, कहिंदा भाई जी साडे दिलां दी धड़कन चले गई, असीं 28 दिन पहाड़ां च बैठे कहिंदा दारू पी गए हां। फौजी, फौजी जी, बिल्कुल सही गल आ जी, इह बड़े तगड़े फैन, बड़े तगड़े फैन सी, आ सिउड़े दी गल आ जी, नेड़े दी जी, ते मुंडा जिमीदारां दा, ते इक अपना रवदासियां दा मुंडा, वो जिमीदारा का मुंडा अखबार ली जाता, तो वो दोनों फैन से एक दूजे चमकीला जी के गाने सुनते जी, जी, जी। जिमीदारा का मुंडा जाके दूसरे मुंडे को अपने दोस्त को कहना यार कहना चमकीला तो संसार तो चले गया, कहना है, कहना यार चले गया, कहना दिखाता जो देखी उन्हें खबर उन्हें पड़ाक देने खूह च छाल मगरी उन्हें दूए मुंडे ने मारी। आ देखो ऐसे फैन भी बैठे थे, थोनू ही गल का कितों पता लग्या? ये मैं सिउड़े वाल गया सीगा जी, उन्होंने लाइव सुनाई तुम? हाँ लाइव दसिया, कहिंदे इस तरह आए आए इस तरह हुई सी भाई जी, मैं आपदे अखी देखिया चमकीला जी दे जाण तों बाद, मैं बठिंडे वाल कोई छोटा जिहा प्रोग्राम ते गया सीगा, एक गुरसिख बंदा चमकीला जी दीआं हिक दे उत्ते फोटोआं ला के बाजार दे विच उच्ची उच्ची गाउंदा फिरदा सी, साथों बाबा खोलिया तेरा ननकाणा, ते और शरेआम कह रिहा सी, कहिंदा तुसीं कहिंदा उह आपदा जीजे नूं मारता, कहिंदा गए कहिंदा उह पजारी कहिंदा हीरे नूं मारता, कहिंदा जीजे दे गोलियां मारो जे किसे च जुरत आ, इन्ना दिमाग तो मतलब इन्ना जणी दिमाग च उह बंदे दे इन्ना डिप्रेशन दे विच प्रभाव टेंशन पै गई उहनूं, बहुत लोकां नूं टेंशन पई, बहुत टेंशन। चमकीला देखो जी मरिया नहीं, उह तां अमर, अमर नहीं, मैं पहला कह चुका भी अमर हो गया बंदा, उह तां जी अमर हो गया, तुरे इत्थों सभ ने जाणा, पर इह जिहा जाना मुश्किल आ, जानी जिहड़ा बंदा जानी जीव तां हजे भी जिउंदा जी, जिउंदा हुण भी उहदा कोई खाड़ा ला के देख लो ऐ लगदा भी जिवें भी जींदा हो। इदू इंटरव्यू करन नूं भी मेरा दिल नहीं करदा भी, जी करदा इत्थों ही बंद कर दईए, की करिए यार, वक्त लंघी जांदा हाए।
ਤੇ ਅਮਰ ਜੋਤ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਆਏ ਅਮਰ ਜੋਤ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਏ ਅਮਰ ਜੋਤ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜਾ अमर जोत चमकीले दा तथो नहीं विछोड़ा सै हुंदा असा बाई जी 8 मार्च 1988 चमकीला साहब दी डेथ हुई है उस वक्त तुसी किथे सी उस वक्त तेजा जी मैं घरे सीगा जी उस वक्त मैं घरे सीगा जी ते मैनू उड़दा जानी पता लग गया सी उसे वक्त ही उस दिन ही मैनू पता चल गया सी जी लुधियाने तो खबर आ गई सी कोई बंदा बस स्टैंड तो आया सीगा कहिंदे भी इस तरह हो गया पर मैनू पता तेजा जी वो रात असी किस तरह गुजारी दूसरे दिन फिर मैं रात नू शाम नू मैनू 6 बजे पता लगदा रात बड़ी मुश्किल नाल कढ़ी मैं दूसरे दिन जदों मैं गया लुधियाने जाके फिर मैं बाई पम्मा जी नू मिलिया गुजर वालीए गुजर वालीए दा यार बहुत बड़ा तेजा जी बहुत बड़ा रोल आ इहदे विच बहुत बड़ा रोल आ यही बंदा जाके इन्होंने बब्बू तां फरीदकोट नूं भेजता सी जब उस वक्त दे विच फोन कित्थे हुंदे सी ना ना कोई फोन नहीं हुंदा सी उहनूं बाद चढ़ाता भी तूं फरीदकोट दस के आ बीबा जी दे घरे भी आह गलबात हो गई ठीक है जी गुजर वाली आ पम्मा ते किक्कड़ डाले वाला एक दो बंदे इहदे नाल होर सी इह बेचारे उत्थे चले गए मैसपुर जी सर जदों कहिंदा असीं मैसमपुर गए कहिंदा मिके ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਫੀਆਂ ਦਾ ਹਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਕਤ ਬੜਾ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਮਾੜੇ ਦਿਲ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਤਲ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਗ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸਮਪੁਰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਪਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਕਤ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਚੱਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਮੇ ਗੁਜਰ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਚੱਲੋ ਗੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰਿਆ ਗੇਅਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕੀਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਖੜਾ ਵਾ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਗਏ ਹਨਾ ਕਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਫਿਰ ਆ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੈਸਟ ਆਈ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ 97 ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲਝ ਗਿਆ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲਝ ਗਿਆ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਏ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਫਰਮਾਵਾਂ ਜੀ ਕਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇਜਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਫੈਨ ਆ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਲਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਅਲਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਸੱਡੀ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜੀਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇਜਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੀਕਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਚਿਣਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਰੂ ਜੀ ਹਲਝਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ
ਮੁੜ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇਜਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਛਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਚਲੋ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਜਰ ਵਾਲੀ ਆ ਪੰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਲਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਵਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਪਾਵੇ ਤਿਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਈ ਮੀਕਾ ਪਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ